मामला धार जिले के कुक्षी थाना अंतर्गत निसरपुर पुलिस चौकी का है, जहां चौकी प्रभारी सहित स्टाफ ने प्राइवेट स्कूलों में चलने वाले वाहनों को चेक किया। धार जिला पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप सिंह के निर्देशन में इस कार्यवाही को किया गया। आपको बता दें, कल धार जिले में स्कूली वाहन पर मोबाइल से बात करते समय एक मैजिक वाहन बाइक को टक्कर मारते हुए लकड़ियों के ढेर में भिड़ा था। बताया जा रहा है, अगर वाहन ढेर पर नहीं रुकता तो बड़ा हादसा हो सकता था। वाहन में क्षमता से अधिक बच्चों को बिठाकर रखा गया था और दुर्घटना के बाद ड्राइवर फरार हो गया था, जिसके बाद धार एसपी के आदेश पर चेकिंग अभियान चलाया गया और हिदायत दी गई कि इन गाड़ियों में मोटर एक्ट नियम के अनुसार सीटों पर बच्चों को बिठाया जाए, साथ ही प्रत्येक गाड़ी में सीसीटीवी कैमरे के साथ जीपीएस सिस्टम भी लगाया जाए, साथ ही स्पीड कंट्रोल बनाए रखने के लिए स्पीड गवर्नर भी लगा होना अनिवार्य है, सभी ड्राइवरों की ड्रेस हो, साथ ही सभी का लाइसेंस भी हेवी हो। इस प्रकार के निर्देश पर चौकी प्रभारी राहुल चौहान के द्वारा आज हिदायत के माध्यम से सभी स्कूल संचालकों और ड्राइवरों को दिया गया, ताकि आने वाले समय में किसी भी प्रकार की दुर्घटना ना हो। सभी आदेशों को सख्ती से पालन करने का निर्देश भी दिया गया। क्या कार्रवाई की गई आज गाड़ियों के ऊपर सर, प्राइवेट स्कूलों की? देखिए, आज श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय धार द्वारा दिशा निर्देशन प्राप्त हुए थे कि स्कूल बसों को चेक किया जाए, होने वाले घटनाओं को देखते हुए मेरे द्वारा आज कोर से जाके सभी स्कूलों में वाहन चेक किए गए, जिनमें लगे सामग्री चेक की गई और स्कूल शिक्षकों को ड्राइवरों को हिदायत दी गई कि वाहन सावधानी से चलाए और बच्चों का ध्यान रखें, जिससे होने वाली दुर्घटनाओं को से बचा जा सकेगा।